हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जब हम रात को फंक्शन में जाते हैं तो फिर पूरी शाम में क्या करती हूँ, कैसे काम निपटाती हूँ और कौन कौन से वो काम हैं जो हम कर सकते हैं, और फिर बस रात को जब हम वापस आ जाते हैं तब मेरी क्या रूटीन रहती है और फिर उसके अगले दिन मेरी क्या रूटीन रहती है, वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वापस आकर फौरन कपड़े चेंज करती हूँ और जो ज्वेलरी वगैरह उतारनी है वो उतार के, और सबसे पहले फिर मैं फेस वॉश से अपना फेस धोती हूँ क्योंकि इतना मेकअप बर्दाश्त नहीं हो पाता स्किन पर। और उसके बाद फिर अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं ड्रेसिंग टेबल इतना फैला के गई थी वो मैं क्लीन कर दूँ, अगर पॉसिबल हो पाता है तो उसी रात को कर लेती हूँ। जैसे कि ज्वेलरी सारी जो पहनी हुई होती है उसको मैं उसके बॉक्स में उसी तरीके से समेट कर उसी जगह पे रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ज्वेलरी काफ़ी हो जाती है। और मैं कुछ थोड़ी सी ऐसे करती हूँ कि जब पहनती हूँ तो देखती हूँ, काफ़ी सारी ज्वेलरी पहन पहन के देख लेती हूँ कि कौन सी सेट बैठ रही है कौन सी नहीं बैठ रही, तो फिर मेरा काफ़ी फैल जाता है ड्रेसिंग टेबल। और जाते समय मैं इतना टाइम नहीं देती कि सबको मैं पैक करके वापस उसी जगह पे रख के जाऊँ, तो मैं आकर ही फिर इन सब चीज़ों को उसी रात को या अगले दिन के लिए रखती हूँ और फिर उन्हीं को एक एक को जैसे वो लिपटी हुई होती हैं और लॉन्ग टाइम तक चल सकें उन्हें संभाल संभाल कर मैं रख देती हूँ। और उसके साथ साथ आपको पता ही है, हर लेडीज़ ये जानती होगी कि जब कहीं फंक्शन में हम जाते हैं तो ड्रेसिंग पे कितना सामान फैल जाता है, हमारे इयर रिंग्स होते हैं, हमारे क्लिप्स होते हैं, हमारी पिन्स होती हैं, हमारी बैंगल्स होती हैं, हमारे सेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सामान होता है और उन्हें कवर करके फिर से उसकी वापस जगह पर रखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो बस इसी तरीके से मैं धीरे धीरे पहले अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन करती हूँ, कुछ मेकअप का सामान भी रह जाता है उसे भी अपनी जगह पे लगाती हूँ ताकि अगली बार फिर फौरन मिल सके। और फिर बारी आती है मेरे शूज़ की, क्योंकि हर हील के टाइप के मेरे पास हैं तो मैं उनको अलग अलग चेक करके और उस टाइम जो मेरे को लगता है कि अब कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि हर पार्टी में एक रुकने का टाइम होता है, कहीं ज़्यादा देर रुकना होता है, कहीं कम देर रुकना होता है, कहीं सिर्फ आना जाना ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो स्लीपर्स हैं वो चूज़ करती हूँ और ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए वो भी मेरे काफ़ी फैल जाते हैं। तो फिर आके मैं उन्हें पहले वैसे ही समेट के रखती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम में फिर मुझे वो वैसे के वैसे डिब्बे मिल जाएं। तो उन्हें भी मैं कोशिश करती हूँ कि रात को पहले मैं क्लीन करके ही सोऊं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट होती है मेरी लॉन्ड्री का काम, क्योंकि कई ऐसे कपड़े होते हैं जो मैं वॉश कर लेती हूँ घर पर ही, उनको ड्राई क्लीन नहीं देना होता। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट निपटाने के बाद फौरन मैं उनको धोने बैठ जाती हूँ, और सबसे पहले मैंने जिन बट्ठल बाल्टियों में उनको धोना होता है वो मैं पानी से साफ़ कर लेती हूँ, कोई मिट्टी वगैरह या कोई चीज़ कलर वगैरह ना हो। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि उन कपड़ों को जिनको मैंने हैंड वॉश करना होता है उनके लिए मैंने एक लिक्विड सोप बहुत ईजी सा जेंटल टाइप का रखा हुआ है जिससे कि हम ये कपड़े धो सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हमारा कौन सा फैब्रिक है जो कि हम घर पर ही वॉश कर सकते हैं, ईज़ली वॉश कर सकते हैं। तो ये जो मैं लिक्विड सोप इस्तेमाल करती हूँ ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होता क्लॉथ के लिए, तो इसमें मैं पानी में जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें मैं डालकर अच्छी तरह से झाग बनाकर और इन कपड़ों को धोऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि ये मैले तो ज़्यादा होते नहीं हैं, तो इनमें मैं वन बाई वन सारे स्टेप से कपड़े धोती जाऊंगी। इनको हल्का सा हाथ से रब करना होता है क्योंकि बस एक पसीना थोड़ा बहुत लगा होता है या डस्ट वगैरह हो जाती है या खाने पीने में थोड़ी सी कोई चीज़ गिर जाती हो बाई चांस, तो ये बस उस तरीके से बड़े सॉफ्ट हाथों से मैं इन्हें धो लूँगी। पहले ये सर्फ से ही धो लूँगी, और जो मेरी स्कर्ट या लहंगा होता है या गाउन का नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी लेंथी होता है जिसके कारण उसके निचले वाले हिस्से को थोड़ा सा ज़्यादा रब करना पड़ता है, बाकी सॉफ्ट हाथों से ही उसको निचोड़ के मैं अलग
बाल्टी में रखती जाऊंगी और उसके बाद एक दो कपड़े जो और होते हैं वो धो के रख लूँगी उसी सर्फ़ में से, और फिर उस सर्फ़ को गिरा दूँगी और फिर मैं फ्रेश पानी लूँगी और अब उसमें पहले मैं करूँगी फर्स्ट वॉश। सारे हाथ से कपड़े लगभग मैं ऐसे ही धोती हूँ, और धोते वक्त मुझे खुली जगह चाहिए होती है, मुझसे बंद बाथरूम में बैठ के ऐसे कपड़े नहीं धोए जाते, और काफ़ी सारी बाल्टियाँ और बट्ठल भी मुझे चाहिए होते हैं क्योंकि दो दो तीन तीन पानी में सब चीज़ें धोनी होती हैं। तो यहाँ मैं बार बार पानी गिरा के और हर बार नया पानी लेकर उसको तीन बार लगभग वॉश कर लूँगी। तो तीन बार नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद अब मैं इन्हें ड्रायर करूँगी क्योंकि इन्हें ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं सुखाना होता। तो ड्रायर करके ये आधे तो समझो कपड़े सूख ही जाते हैं, तो इन्हें ड्रायर करने के बाद मैं सूखने डालूँगी। और जब तक कपड़े ड्रायर होते हैं तब तक मैं ये सारे बाल्टियाँ मग्गे और चौंकी वगैरह समेट के उनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी क्योंकि यहीं से ज़्यादा आना जाना होता है, तो फिर किसी को परेशानी ना हो। और उसके साथ साथ मैं वाइपर लगा लूँगी क्योंकि कोई भी फिसल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि यहीं सर्फ होता है, यहीं पानी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं वाइपर लगाती हूँ और यहाँ पर जल्दी किसी को आने नहीं देती कि कोई फिसल ना जाए। तो सारा मैं क्लीन कर लूँगी और इधर अब मेरे कपड़े भी सारे ड्रायर हो चुके हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मैं यहाँ स्टैंड पे डाल दूँगी कपड़े, और वो भी उल्टे करके ताकि इनका रंग धूप में ना उड़ जाए। और इनको सारा दिन के लिए धूप पर नहीं सुखाती मैं, इनको एक आधे घंटे की धूप लगवा कर और स्टैंड में अंदर कर लेती हूँ ताकि इनका कलर ना उड़ जाए। बस उतना इनको सुखाना होता है कि हम लोग जब इनको कपड़ों को समेटें तो इनमें कोई फिर फंगस वगैरह लगने के कोई चांस ना रहें। तो पहले धूप पर स्टैंड रख के धूप लगवा के और एक घंटे के करीब बाद मैं उसको छाया में रख लेती हूँ। तो बस फिर अब मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद आकर मैं वापसी करूँगी काम। और काम जो अब दिन भर के स्टार्ट होते हैं, तो इस तरीके से मैं मैरिज पर या फंक्शन पर से आने के बाद अपनी सारी रूटीन रखती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो वीडियो का मैं यही करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिए, जैसे आपका ख्याल रखेंगे बाकी सारे का रब रखा।